जो लोग मेरे पास आए हैं मैंने आपको जनप्रतिनिधि है आप डरेंगे तो डोनेट कर रहे हो जी उद्देश्य यही है कि जो जिनको ब्लड की आवश्यकता है जिनको ब्लड की कमी की वजह से लोग एक्सपायर हो जाते हैं या फिर नहीं मिल पाते हैं परेशान रहते हैं उनके लिए हम उनको जो दिला सके उनको सहूलियत हो उनके इलाज में। क्या हर साल इस तरह का कार्यक्रम किया जी जाता है? हर साल 5 जुलाई को सांसद श्री अतुल राय जी के जन्मदिवस पे हम लोग हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या में सांसद अतुल राय जी के जन्मदिन पे हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। आपके अतुलवादी का टैटू जी क्या हमारे आप ये कह सकते हैं कि जैसे लोग बड़े बड़े उनके फ़ैन हैं उनके टैटू कराते हैं या फिर तो मैं उनका फ़ैन हूँ और मेरे लिए वो मेंटोर है। मैं गांव में रहता था और जो उन्होंने मुझे गांव से उठा के राजनीति के इतने बड़े पटल पे ला दिया कि मैं पूरे जिले का काम देखता हूं या फिर जिले के लोग मुझे जानते हैं मैं उनका काम देखता हूं तो ये बड़ा अपने आप को प्राउड फील करता हूं मैं। किसी के साथ खड़े रहते जी बिल्कुल जो भी है जो छोटे नीचे तबके के लोग हैं या फिर जो ज़रूरतमंद हैं या फिर जो उनका व्यवहार है जो उनकी चीज़ें हैं वो एक जो उनकी एक्टिविटी है हमको नहीं लगता है कि किसी दूसरे सांसद या किसी दूसरे नेता या फिर किसी और में मैं देख पाता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश राय है। भैया क्या नाम है? आज कहाँ आए हुए किस तरह का मतदान शिविर चल रहा है? सांसद जी का जन्मदिन हर साल की बात इस साल दे रहे हैं। क्या वजह है कि रक्तदान शिविर का ही आयोजन किया जाता है? जन्मदिन तो और तरीकों से मनाया जाता है। आयोजन हम लोग इस सोच से करते हैं कि हमेशा हम लोग किसी न किसी गरीब मजबूर जिसको ब्लड नहीं मिलता उसको ब्लड दिलवाया जाता है। इससे एक अच्छा संदेश भी जाता है कि लोग ब्लड देंगे बार बार। हमेशा कई वर्षों से हो रहा है। आप भी दे रहे हैं? हम भी दे रहे हैं। कितने संख्या में लोग आज करेंगे? देखिए लोग देंगे जितने संख्या में सबसे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? अभी तक कितने लोग तो देते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं? इतना ज्यादा लोग बार बार ब्लड करें ब्लड दें जिससे लोग जागरूक हों और ब्लड की कमी से लोग ना कार्य करें। ये घोसी के निवर्तमान सांसद माननीय अतुल राय जी के जन्मदिन के अवसर पे उनके चाहने वाले हर साल इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। ब्लड डोनेट का वही कार्यक्रम इस साल भी है। ये लियर अबाउट हम लोग 2019 से यहाँ चला रहे हैं। अच्छा। जी इसके अलावा भी कुछ और भी कार्यक्रम जी पूरे पूर्वांचल में चल रहा है लेकिन हमारा जोर खास तौर से मऊ और बनारस के लिए है। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट? देखिए हमारा कार्यक्रम तो बहुत बड़ा था लेकिन मौसम आज साथ नहीं दिया और चूंकि बाहर आ पाए होंगे तो हॉस्पिटल की दुर्दशा आपने देखी होगी ठेहुना भर पानी है जिसकी वजह से मेरे इस कार्यक्रम में प्रभाव पड़ रहा है। किस तरीके से इस तरीके का रक्तदान शिविर आप लोग चलाते हैं? क्या उद्देश्य क्या है भाई? ये रक्तदान का उद्देश्य हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अधिक से अधिक आकर ब्लड डोनेट करें ताकि ब्लड की बहुत बहुमूल्य है विषम परिस्थितियों में किसी की जान बचाई जा सकती है। तो ऐसे लोगों और एक रोग है बच्चों में होती है उसको हम लोग ब्लड समर्पित करते हैं। जी इसके अलावा भी कल ट्राइसाइकिल जी कल उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पे ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया। हॉस्पिटलों में जाके फल का वितरण करेंगे जगह जगह पौधे लोग लगा रहे हैं वृक्ष लगाया जा रहा है इस प्रकार का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। सदर अस्पताल पूरी तरह स्विमिंग पूल बन गया है क्या किस नज़र से देख रहे हैं? अब देखिए भाई साहब आज हम लोग का ब्लड डोनेट का एक बेहतरीन कार्यक्रम था लेकिन अब ठेहुना भर कमर भर इसमें पानी है लोग हमारे लोग आ रहे हैं गेट से वापस चले जा रहे हैं इतनी दुर्व्यवस्था है जिसकी वजह से लग रहा है कि आज हमारा कार्यक्रम फेल मार जाएगा। इस जिले के जो नगर विकास मंत्री हैं इसी जिले के रहने वाले हैं और इस तरह की व्यवस्था देख के क्या मतलब अनुमान? अब मुझे कुछ नहीं कहना आप स्वयं देख रहे हैं और आप मीडिया के साथी हैं आप ये बात उन तक पहुंचाइए कि आप नगर भी आपकी ही पार्टी से नगर भी कोई हो भाई जो जनप्रतिनिधि हो मैं किसी पार्टी दल की बात नहीं कर रहा हूँ सारे जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ इस सिलसिले में काम होना चाहिए और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर एक पत्रक दूंगा कि जो है
साथी स्टाफ के लोग बता रहे हैं कि अक्सर थोड़ा पानी भी हो रहा है तो ये भर जा रहा है। तो मैं इस सिलसिले में कल यहाँ मऊ के जिलाधिकारी महोदय से मिलकर एक ज्ञापन दूंगा कि इसका तत्काल कोई ना कोई प्रबंध किया। शासन के पीडी अधिकारी भी गए थे अभी यहाँ से, तो उनको गाड़ी एकदम आगे लानी पड़ी थी बैठने के लिए भी, क्या कहेंगे? जी जी, निश्चित तौर पर मैं बता ही रहा हूँ कि जब कमर भर पानी है तो जो भी आएगा उसको गाड़ी आगे ले जाना ही पड़ेगा। और इस सिलसिले में मैं कल DM साहब से मिलकर एक ज्ञापन दूंगा कि इस समस्या का तत्काल निदान किया जाए।